Hello students, this is our lesson number 5, separation of substances of your NCERT textbook science, and this is our page number 35. In our daily life, there are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of materials. Tea leaves are separated from the liquid with a strainer while preparing. Green means हम जब टी बनाते हैं तो हम टी लीव्स को सेपरेट करते हैं स्ट्रेनर में से. ग्रीन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स वाइल हार्वेस्टिंग. जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं तब ग्रेन और स्टॉक्स को हम सेपरेट करते हैं. मिल्क और कर्ड को हम चर्न करते टाइम, बटर बनाते टाइम हम उसे सेपरेट करते हैं. एज वी लर्न इन चैप्टर 3, वी गीन कॉटन टू सेपरेट इट सीड्स फ्रॉम द फाइबर. फाइबर बनाने के लिए हम कॉटन सीड्स में से जो है हम कॉटन को सेपरेट करते हैं. परहैप्स यू माइट हैव ईटन सॉल्टेड दलिया और पोहा. आपने सॉल्टेड दलिया और पोहा तो खाया ही होगा जो मम्मी ने बनाया, मम्मी बनाती है आपके घर पे. तो उसमें अगर मम्मी अगर चिलीज डाल देती है तो आप बिल्कुल केयरफुली उसमें से जो है चिली रिमूव करते हो, देन आप पोहा या दलिया खाते हो. अगर आपको एक बास्केट दिया है जिसमें मैंगोज और गुआवाज हैं, यू आस्क टू सेपरेट देम. अगर आपको बोला जाए कि आपको उसे सेपरेट करना है, व्हाट वुड यू डू, तब आप क्या करोगे. पिक आउट वन काइंड ऑफ प्लेस देम इन सेपरेट कंटेनर, राइट. आप एक सेपरेट कंटेनर में उसे वन बाय वन पुट करोगे. सीम्स इजी, बट व्हाट इफ द मटेरियल्स वी वांट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर. अब ये बिगर मटेरियल्स है तो ये तो ईजी है, बट अगर ऐसे सब्सटेंसेस हो जो कि बहुत स्मॉल हो तो आप उसे कैसे सेपरेट करोगे. वाइल बटर इज टेकन आउट बाय चर्निंग मिल्क और कर्ड. दिस इज द इमेज ऑफ चर्निंग मिल्क फ्रॉम बटर, वी आर गोइंग टू सेपरेट इट. देन मैंगो और गुआवा. इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड विथ सॉल्ट मिक्सड इन इट. अगर आपको एक ग्लास दिया है जिसमें सॉल्ट और सैंड मिक्सड है तो आप उसमें से कैसे, मीन्स इट इज़ इम्पॉसिबल टू सेपरेट द दिस थिंग्स. आप सैंड को आप वन बाय वन हैंड से तो अलग नहीं कर सकते ना सॉल्ट में से. बट वाई वी हैव नीड टू सेपरेट सब्सटेंसेस, पहली वॉन्ट्स टू नो. पर ऐसा ज़रूरी क्यों है कि हमें ये सारे सब्सटेंसेस को हमें सेपरेट करना ही है. नाउ इन कॉलम वन ऑफ टेबल 5.1 कुछ मीन्स आर गिवन फ्यू प्रोसेस ऑफ सेपरेशन. देर आर सम गिवन प्रोसेस ऑफ सेपरेशन टू पर्पस. द पर्पस ऑफ सेपरेशन एंड द वे ऑफ सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड एज इन मेंशन कॉलम 2 और 3 रिस्पेक्टफुली. मीन्स जो पर्पस है उसका, उसकी मेथड है सेपरेट करने की, वो सारे कंपोनेंट्स को आपको 2 और 3 कॉलम में मेंशन करना है. हाउएवर द इंफॉर्मेशन गिवन इन कॉलम 2 और 3 इज जम्बल्ड अप. अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन है उसे आपको कॉलम 2 और कॉलम 3 में आपको रखना है तो आप उसे जम्बल कर सकते हो. यू कैन यू मैच ईच. अब आपको एक एक को मैच करना है. नाउ नेक्स्ट, दिस इज़ अ टेबल 5.1 सेपरेशन प्रोसेस. पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन, वॉट वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स. नाउ सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस. टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स, वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट्स. जो सॉलिड कंपोनेंट है उसे हम बाहर फेंक देते हैं. चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर. टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज. सेपरेट टी लीव्स को सेपरेट करना. टू रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट्स, वी यूज बोथ द कंपोनेंट्स. नाउ चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, वी यूज बोथ द कंपोनेंट्स. सेपरेट राइस फ्रॉम स्टोन, वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज. सेपरेट टी लीव्स, वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट. नाउ सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स. ये सारे जो सेपरेशन मेथड है ये आपको एक दूसरे से मैच करनी है. नाउ प्रोसेस विद इट्स पर्पस एंड द वे वी सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज. वी सी दैट बिफोर वी यूज अ सब्सटेंस वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस दैट मे बी मिक्सड विद इट. समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट्स इफ वी नीड टू यूज देम सेपरेटली. द सब्सटेंसेज टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस ऑफ मटेरियल्स. दिस मे बी इन एनी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस. हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंसेज मिक्स टूगेदर इफ दे हैव सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज. अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमने ऐसे बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेज को हमने सेपरेट किया है और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस को भी सेपरेट किया है जो कि मिक्सड हुई आती हैं. समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट्स इफ़ वी नीड टू यूज देम सेपरेटली. और जो यूजफुल कंपोनेंट्स होते हैं हम उसे भी सेपरेट करते हैं अगर हमें उसे अलग अलग यूज़ करना हो तो. द सब्सटेंसेज टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस और मटेरियल्स. दिस मे बी इन एनी 3 स्टेटमेंट्स ऑफ मैटर,
दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड और गैस. अगर जैसे कि थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर में हो, सॉलिड में हो, लिक्विड में हो और गैस में हो, सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंसेज मिक्स टूगेदर इफ़ दे हैव सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. और हम इन सारे सब्सटेंसेस को सेपरेट कैसे करेंगे जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हो. तो नाउ मेथड्स ऑफ सेपरेशन, वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेज दैट आर मिक्स टूगेदर. यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ दीज मैथड्स बींग यूज इन डे टू डे एक्टिविटीज़. अब हम ऐसे सिंपल मेथड्स को डिस्कस करेंगे जो कि कुछ सब्सटेंस को सेपरेट करने में और जो कि मिक्स की हुई है उसे हम अलग करने में हम डेली हमारी लाइफ में हम यूज़ करते हैं ऐसी मेथड्स को, ऐसी एक्टिविटीज़ को, वो हम मीन्स डिस्कस करेंगे. नाउ हैंड पिकिंग, ब्रिंग अ पैकेट ऑफ फूड ग्रेन्स परचेस्ड फ्रॉम अ शॉप टू द क्लासरूम. नाउ स्प्रेड द ग्रेन्स ऑन द शीट ऑफ पेपर. डू यू फाइंड वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द शीट ऑफ पेपर? अब एक फूड ग्रेन का पैकेट जो है वो परचेस करो, उसे एक शीट ऑफ पेपर में आप पुट करो और आप देखो कि सारे जो उसके सारे जो ग्रेन्स हैं, ग्रेन के जो पीसेस हैं वो सारे एक जैसे हैं द शीट ऑफ पेपर पर आपने जो रखे हैं. आर देयर पीसेस ऑफ स्टोन, हस्क, ब्रोकन ग्रेन्स एंड पार्टिकल्स ऑफ अदर ग्रेन इन इट? दूसरे ग्रेन्स के पार्टिकल भी उसमें होंगे, स्टोन भी होगा, हस्क भी होगा, मीन्स टूटे हुए ग्रेन भी होंगे. नाउ रिमूव विथ योर हैंड विद द पीसेस ऑफ स्टोन, हस्क एंड अदर ग्रेन्स फ्रॉम इट. अब उसमें से आपको हस्क है, स्ट्रॉ है, ये सारे मीन्स वेस्ट मटेरियल से आपको रिमूव करना है उसमें से. दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज लाइक द पीसेस ऑफ डर्ट, स्टोन एंड हस्क फ्रॉम व्हीट, राइस और पल्सेस. द क्वान्टिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज इज यूजअली नॉट लार्ज इन सच सिचुएशन. वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज अ कन्वीनियंट मैथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेज.